और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिव्या प्रेम सेवा मिशन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिव्या प्रेम सेवा मिशन को सफल बनाने जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि मैं शिवाजी महाराज की इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी प्रयास करें। वहीं ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव के बैनर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं मानता हूं कि घोसी उपचुनाव हम लोग जीत नहीं पाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा उन्होंने किया। और जिस प्रकार से लखनऊ को यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है और इस कार्यक्रम को लेकर के जो लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह है और जो उसकी तैयारी है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। व्यक्तिगत तौर से भी मैं पूरी ताकत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तो लगा ही हूँ, लेकिन सभी को अपील भी करता हूँ, आह्वान भी करता हूँ कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। 26 अक्टूबर से यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है और इस कार्यक्रम में सब लोग अपनी सहभागिता कैसे दर्ज करावें, ये कार्यालय है जहाँ से आज हम लोग इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं।